औद्योगिक नगरी पीथमपुर को कई नई सौगातें मिली है। शहर के मध्य से गुजरने वाले राजमार्ग पर कुल 14 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की लागत से सेंट्रल स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जिसका लोकार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और विधायक नीना वर्मा द्वारा किया गया। इनके साथ उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव द्वारा सेज 2 में आयोजित कार्यक्रम में मैकेनाइज रोड स्वीपिंग कार्य के उपयोगी अत्याधुनिक मशीनों की औद्योगिक क्षेत्र में सौगात दी है। इस अवसर पर मंत्री दत्तीगांव ने कहा कि यह पूरे देश में पहला प्रोजेक्ट है जहां औद्योगिक क्षेत्र में यह प्रयास किया गया है कि स्वच्छता के साथ पर्यावरण के लिए भी कार्य हो। इसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। नगरी निकाय और MPRDC मिलकर अपने क्षेत्राधिकार का सर्वे कर कार्य करवा रही है। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। कठिन परिश्रम से आज हम इस भूमि पूजन की सफलता की ओर बढ़े हैं। पहले एक बार टेंडर हो गया, फिर तकनीकी कारणों से सरकार द्वारा योजना को बदल दिया गया और निरस्त कर दिया। फिर क्लस्टर का टेंडर हुआ कि नगर पालिका को क्लस्टर में बदल दिया, और क्लस्टर का टेंडर भी है वो एक अलग है। पहले प्रायोरिटी चाहते हैं कि जो हमें मिले हम वो कैच करना चाहते हैं, उसी के अंतर्गत ये सड़क बन गई, फोर लाइन बन गई। लेकिन होने वाले एक्सीडेंट, होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करी, माननीय मंत्री जी से चर्चा करी, तो हमने स्ट्रीट लाइट का अपना प्रोजेक्ट उनको दिया। उसमें काफ़ी समय लगा। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग दो दो बार टेंडर होने के बाद, योजना परिवर्तित होने के बाद, तमाम चर्चाओं तो उसे जूझते हुए अंत में हम कामयाब हुए हैं। और आज हमने स्ट्रीट लाइट का, जो कि 4 करोड़ से अधिक की है, आज यहाँ से इंदोरमा तक 14 किलोमीटर की लाइन डलेगी। और इसके अंदर अब उन गरीब मजदूरों को असुरक्षा का भाव दूर होगा, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस को भी अपना काम करने में सावधानी होगी और होने वाले अपराधों में भी लगाम लगेगी। और हमारा शहर सौंदर्यता की ओर बड़े शहरों की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम इस सब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।